नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। इस कंपनी की बात कर सकते, देखिए इसमें जो गुड न्यूज़ देखने को मिला है, सबसे पहला गुड न्यूज़ तो आपसे बताना चाहते हैं, कंपनी ने 500 करोड़ का जो कि फंड रेज करने की बात की है। हालांकि और भी कुछ गुड न्यूज़ है जो कि मेरे पॉइंट से दोस्तों, उसको मैं आगे कवर करूँगा। हाँ, बोरोसिल रिन्यूएबल की बात कर सकते, जिससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बनाए कि 2030 तक अगर इस कंपनी के लिए आप टाइम देते हैं तो ये स्टॉक आने वाले समय में सबसे बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्योंकि कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस में दम है दोस्तों। कंपनी करती क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन नए होंगे तो हम उनसे अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंपनी की बात करें तो कंपनी एक प्लेट ग्लास बनाती है दोस्तों, जो कि सोलर पैनल के ऊपर लगते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो भी सोलर पैनल के ऊपर जो ग्लास का प्लेट लगता है दोस्तों, ये बोरोसिल रिन्यूएबल के द्वारा ही बनाया जाता है। हालांकि इससे कि देखा जाए तो बहुत सारा चाइना की बात करें या कुछ बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें भी देखा है तो इस कंपनी को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, 10,000 रुपये निवेश करेगा, देखिए हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बाकी मर्जी, आपकी डिसीजन आपको लेना है। हमारी तरफ से क्या रहेगा दोस्तों, हम उसको अपनी तरफ से कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आपको निवेश करना है तो 5 साल से 5 साल के लिए कम से कम तो निवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप सभी लोगों को पता है कि चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। आगे बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन 5.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो 567 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही, जो प्रीवियस क्लोजिंग है 538 रुपये का देखने को मिला था। आज की अगर मैं बात करूँ तो 580 के आसपास ये कंपनी गई थी। हालांकि रिसेंट में देखेंगे तो लगभग 670 रुपये के आसपास भी ये कंपनी गई थी। यहाँ पर जो सबसे पहले न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कंपनी जो कि फंड रेजिंग से रिलेटेड पहले ही बात हो रही थी। हालांकि दोस्तों देखिए, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, इस कंपनी के प्रोडक्ट में जो है कि मार्जिन कम से कम ज्यादा है, बहुत ही कम से कम देखने को मिलते हैं। क्या है दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट है, इनके जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है दोस्तों, उसमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसके कारण इस कंपनी के अगर आप चार्ट को भी देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। हालांकि जो रिसेंट में इस कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू में तो जंप है लेकिन इनके प्रॉफिट ही गायब हो गए। तो हो सकता है किसी समय प्रॉफिट इनके गायब हो जाए, किसी समय इनके हो सकता है कि कंपनी प्लस में भी आ सकती थी। इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। हालांकि दोस्तों, वहीं पर अगर मैं कुछ न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले आप अगर इस न्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि बोरोसिल रिन्यूएबल का भी टारगेट बताया जा रहा है, लगभग 500 से 600 रुपये, 575 से 600 के आसपास ये बताया जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे खास बात है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं, ये जो 5 स्टॉक है दोस्तों, अगर बोरोसिल रिन्यूएबल CG की बात करें, CG पावर की बात करें, और भी कुछ स्टॉक है जिसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इनमें अच्छे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए ये जो टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम टारगेट है। एक ट्रेडिंग बेसिस पे आप टेक्निकली या तो ट्रेडर्स के लिए टारगेट अचीव, आप कह सकते हैं कि यही टारगेट काम करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, बताया कि स्टॉक है द विटनेस शॉर्ट पीरियड, जो कि एक करेक्शन देखने को मिला है फ्रॉम 604 के लेवल से, जो कि देखा गया तो 510 के जोन में कंपनी चलती है, जो कि यहाँ पे RSI इससे रिलेटेड ही बात हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, द बोरोसिल रिन्यूएबल बोर्ड अप्रूव जो कि फंड रेज से रिलेटेड, 500 करोड़ का इनको जो कि फंड रेज होने की बात हो गई, हो गई राइट इशू के थ्रू, ये जो कि फंड रेज करेंगे, प्रिफरेंशियल इशू जो कि शेयर करेंगे दोस्तों, क्वालिफाइड जो कि QIB भी आप कह सकते हैं कि इसके थ्रू जो कि ये फंड रेज करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मीटिंग जो होने हुई थी लगभग 1 मार्च को ही होनी थी, जिसके कारण आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करते हैं, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्स्ट्रा क्लीन पैटर्न, जो कि ग्लास से रिलेटेड कंपनी काम करती है। आप सभी लोगों को जैसा कि हमने पहले ही बिजनेस के बारे में बता दिया कि जो सोलर पैनल का एक ग्लास का प्लेट होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड कंपनी काम करती है, तो इनके लिए फंड की बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं कुछ अच्छी खबर की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, 5 से 10 सालों का जो भी कि आपका ओरिजन रहेगा, 10,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर मैं कुछ अच्छी खबर की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि जो ब्रोकर्स हैं वो भी अभी इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। लगभग 575 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है, तो हो सकता है दोस्तों देखिए ये स्टॉक उसी के आसपास चल रहा है। हालांकि इनके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, लेकिन हाँ, कंपनी ने जिस टाइप से फंड रेज किया है तो अपने आप को आने वाले समय जिस प्रकार से एक्सपांड करेगी और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कि हायर डिमांड देखने को मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, जिस हिसाब से एक ऑटो सेक्टर वर्क कर रहा है,
तो हो सकता है कोई ऐसी कंपनी आए दोस्तों कि मार्केट में जब मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जमाना रहेगा दोस्तों, तो उसमें आप सभी लोगों को बताया कि चार्जिंग से रिलेटेड जो कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में सॉर्ट आउट होगा। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी मार्केट में आए जो कि उसके छत पे एक सोलार मतलब रूफ टॉप सोलार ही लगा दे दोस्तों, तो इसके कारण हो सकता है कि इस स्टॉक को आने वाले समय में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। तो मेरे पॉइंट से इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। और एक जो खास बात है दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए, तो मेरे पॉइंट से देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 3 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड है, जो कि एक हैवी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। हालांकि ट्रेडिंग बेसिस पे हो रहा है, 20% माल डिलीवरी में उठाया गया। जैसा कि अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो 1 मार्च को ही न्यूज़ देखने को मिलेगा जिसमें लगभग 500 करोड़ का जो कि इनका फंड रेज से रिलेटेड बात हुआ है। बोरोसिल हैज इन्फॉर्म टू बोर्ड मीटिंग जो कि 1 मार्च को हुआ, आउटकम मीटिंग शेड्यूल इशू जो कि इनकी कमेटी एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कि बोरोसिल रिन्यूएबल से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे आपने न्यूज़ देखी लिया कि 500 करोड़ से रिलेटेड जो कि फंड रेज से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग इनकी 1 मार्च को ही होनी थी, जो कि हो भी गई। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मैं भी इस स्टॉक को मतलब कि डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूँ और इससे रिलेटेड मतलब कि कुछ दिनों में मैं वीडियो भी कवर करते रहता हूँ। तो जो भी रिटेलर ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, इस कंपनी की बात करें, जिस हिसाब से मतलब 500 करोड़ का फंड रेज देखने को मिला है, इस कंपनी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी का अगर आप देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे पी देखेंगे तो 656 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, सिर्फ 7,500 करोड़ का मार्केट कैप। कहने का क्या दोस्तों, बहुत ही रिस्की कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी आप मान सकते हैं। हालांकि अपने सेक्टर में कंपनी लीडर है, तो देखा जाए तो कोई मतलब पैनिक वाली बात नहीं, कंपनी के बिजनेस में भी दम है और आने वाले समय में डिमांड भी बढ़ने ही वाली है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप करंट प्राइस पर इस स्टॉक को बाइंग करते हैं, तो हो सकता है गिरावट होती है, कंपनी 500 से लेकर के मतलब 550 के बीच में ट्रेड कर सकती है। आने वाले समय में ये कंपनी लगभग मतलब अगर 600-700 के आसपास जाती है तो 1,000 के भी लेवल को तोड़ेगी। हालांकि 1,000 जाना कोई इजी काम नहीं है, इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी देखने को मिलेंगे। कंपनी के रिजल्ट मतलब जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें थोड़े से मतलब इंप्रूवमेंट होने जरूरी हैं। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।